अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम बहुत ही सिंपल सी और प्यारी सी बॉर्डर बनाना सीखेंगे, और इसे आप चारों तरफ दुपट्टे पे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये दिखेगी डिज़ाइन। देखिए, इसे मैंने दुपट्टे पे बनाया है, आप इसे स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, स्लीव्स पे बनाऊँगी इस डिज़ाइन को। तो जैसे मैं स्लीव्स पे बनाऊँगी, उसी तरह से बिल्कुल आप दुपट्टे पे बना सकते हो उस डिज़ाइन को। चारों तरफ आप दुपट्टे पे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइन दिखेगी। देखिए, मैंने इस तरह से बनाया है। बस आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो है धागे किस तरह से पसंद करें वो अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं। धागे आप अगर अच्छे पसंद करेंगे ना, तो डिज़ाइन अच्छी निकल के आएगी। देखिए, मैंने इसमें ये प्रिंटेड दुपट्टा है, तो इसमें मैंने एक पिंक धागा ले लिया है, एक ग्रीन धागा ले लिया है। तो इस तरह से डिज़ाइन बन के आई है। तो आप धागे अच्छे से सेलेक्ट करिए तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। और इस दुपट्टे पे देखिए मैंने कौन से कलर के धागे लिए हैं। एक ग्रीन लिया है और एक ये पिंक जैसा है, रेड। ना तो ये रेड में है ना पिंक में है, थोड़ा अलग सा है इसका कलर है। तो इस धागे को मैंने लगाया है, तो देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन निकल के आई है। और देखिए, इस तरह से आप इसे स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। मैंने इसे स्लीव्स पे बनाया है, बहुत ही प्यारी लग रही है डिज़ाइन इस तरह से। तो इसे स्लीव्स पे कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैं स्लीव्स पे बनाऊंगी, उसी तरह से आप जो है दुपट्टे पे बना सकते हो डिज़ाइन को, ठीक है। दो रंग के धागे से बनाइए आप इस तरह से। ये बंद करने वाली स्लीव्स है, कफ वाली स्लीव्स है। तो इस पर मैंने डिज़ाइन को बनाया है। मैं हाथ में डाल के दिखाती हूँ किस तरह से दिखती है ये डिज़ाइन पहनने के बाद। इस तरह से देखिए, आप सिंपल सा ड्रेस जैसे बनाएं तो उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देने के लिए आप इस तरह से बॉर्डर बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारी आपकी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, एक और स्लीव्स पे मैंने बनाया है। बस धागे आप अपने हिसाब से अच्छे सिलेक्ट करिए तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी बन के आएगी। तो अभी हम इस पे डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इसमें देखिए मैं कौन से कलर का मैं धागा ले रही हूँ। एक ब्लू धागा ले रही हूँ, एक पिंक धागा ले रही हूँ। आप चाहें तो एक ब्लू ले रहे हैं और एक जो है ऑरेंज कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितना ही ब्राइट धागा इसमें यूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी निकल के आएगी इंशाल्लाह। तो मैंने देखिए इस तरह से एक ब्लू धागा लिया है, और ये छोटे वाले धागे मैंने लिए हैं, इसके लेयर करके बना ली हूँ। चार लेयर धागे से मैं डिज़ाइन को बनाऊँगी। और एक पिंक धागा मैंने लिया है, इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली वालों, फ्रेंड वालों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। जैसे मैं स्लीव से भी बनाऊँगी, उसी तरह से बिल्कुल आप दुपट्टे पर भी बना सकते हैं डिज़ाइन को, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 पांच चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। आप नीडल 12 नंबर की या तो 11 नंबर की ले सकते हैं, जो भी नीडल आपकी आसानी से कपड़े में जाए उस नीडल का आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। और इस तरह से देखिए, रख के देखेंगे, एकदम से ऐसे दूर नहीं करना है, ऐसे रख के देखेंगे नीडल को, थोड़ा सा राउंड आना चाहिए चेन। इस तरह बना लेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, फिर इस तरह से नीडल को रख के देखेंगे, थोड़ा सा राउंड में ही आना चाहिए। इस तरह फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5। अगर आप इस तरह से दूर बना देंगे ना, तो ये बिल्कुल से डिज़ाइन चिपक जाएगी, इसे सीधी सीधी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे जब
राउंड में रहेगी ना, तभी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। अगर आप इतनी दूर जैसे बनाएंगे ना, तो फिर ये डिज़ाइन सही नहीं बन के आएगी। तो आप इस तरह से बस इतना ही इसमें गौर करना है। देखिए ऐसे रख के नीडल को इस तरह बनाना है। इसी तरह से पूरे पे मैं बना लेती हूँ 5 चैन सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से पूरी कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना के, अब यहाँ पे मैं 1 चैन लेके धागे को कट कर दूँगी। आप चाहे तो इस तरफ भी बना सकती हैं, लेकिन इस तरफ कोई फ़ायदा नहीं है, जब ऐसे बंद हो जाएगी स्लीव ना तो ये दिखेगी नहीं। आप चाहे तो इस तरफ बना सकते हैं यहाँ तक ऊपर, लेकिन यहाँ तक मैं नहीं बना रही हूँ, बस इसके बॉर्डर पर ही बनाऊँगी। अब इस तरह से धागे को पीछे की तरफ कवर कर देंगे। अब दूसरे वाले धागे को यहीं से लगाएंगे। इस तरह धागे को लगा के 1 2 3 4 5 चैन लेके, अब यहाँ पे देखिए चैन के ऊपर बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेके इधर से, अगर वैसे आप गिन के देखेंगे तो 1 2 छोड़ के तीसरे पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 5 चैन लेके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस पे इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो ये मैं लाइन पूरी कर लेती हूँ, यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन बनाने के बाद इसका लुक देखिए ऐसे मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं लास्ट में बताऊँगी किस तरह से आप डिज़ाइन को सेट कर सकते हो, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ये लाइन मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे 1 चैन लेके धागे को कट कर देंगे। और पीछे की तरफ धागे को इसी तरह से छिपा देंगे। इस तरह कर देंगे। अब एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी बन गई डिज़ाइन। इस तरफ के भी धागे को ऐसे ही पीछे की तरफ कर देंगे और बाद में कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनेगी डिज़ाइन इस साइड में वो हम देखेंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरफ बनाएंगे अब डिज़ाइन। इस तरफ थोड़ा सा नीडल जाने में मुश्किल होगी, लेकिन आराम आराम से बनाइए। इस तरह करके 1 2 3 4 5 चैन लेके उसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे पीछे वाले कपड़े में, ज़्यादा नीडल नहीं जानी चाहिए, बस थोड़ी सी दूर जाएगी तो मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ तक दूर तक नहीं करिएगा। इस तरह बनाना है। फिर 5 चैन लेके 1 2 3 4 5, इस तरह से करना है। ज़्यादा पीछे वाले में देखिए इस तरह से कपड़े में जाएगी तो सही रहेगी नीडल, यहाँ दूर तक नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी करती हूँ लाइन। फिर इसके ऊपर वाली कैसे बनेगी वो देखेंगे।
फिर उसके बाद में डिज़ाइन सेट कैसे होगी वो देखेंगे। ठीक है, इस तरह देखें, थोड़े से अगर कपड़े में जाएगी तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए नीडल। इस तरह बनाते जाना है। तो देखिए, यहाँ तक मैंने बना के धागे को कट कर दिया है। अब इसको पीछे की तरफ उसी तरह से धागे को छिपा देंगे। ठीक है, बाद में मैं और अंदर की तरफ कर दूंगी। अब यहाँ से दूसरे वाले धागे को लगाएंगे। तरह लगा के धागे को 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेके बीचों बीच में उसी तरह बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चेन लेके बीचों बीच में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी इस लाइन को पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन सेट हो कैसे होगी, तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना, इस तरह बनाते जाना है। इस तरह से देखिए, यहाँ तक मैंने बना के धागे को पीछे की तरफ छिपा दिया है। तो डिज़ाइन हमारी पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी देखिए, कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिख रही है ना, जब इसको हम सेट कर लेंगे तो थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छे से डिज़ाइन सेट हो जाएगी। वैसे मैंने स्प्रे बॉटल में पानी लिया है और इसके ऊपर डालते हुए हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। इस तरह से बाद में आप इसके ऊपर चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसे हाथों से हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद जब ये डिज़ाइन सूख जाएगी ना, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है दूसरी स्लीव्स पे कैसे डिज़ाइन सेट हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।